दोस्तों खिलाड़ी भैया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया के बीच होने वाले सेकंड T20 के ड्रीम 11 प्रिडिक्शन के बारे में, जो कि आज शाम 8 बजे गुयाना स्टेडियम में खेला जाएगा। गुयाना स्टेडियम की जो पिच रिपोर्ट है उसको मैंने रीड किया, तो आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में पेसर्स को काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है। जैसे आपके अर्शदीप हो गए बॉल को दोनों तरफ स्विंग करा लेते हैं, तो ऐसे बॉलर्स को काफ़ी अच्छी स्विंग मिलती है। और उधर से आपके अलजारी जोसफ हो गए, तो स्टार्टिंग में जो विकेट गिरने के चांस हैं हाईली रहते हैं। तो आपके लिए बता दूं कि अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले बैटिंग करती है तो अर्शदीप को गुच्छे में भी विकेट मिल सकते हैं, कुछ इस तरीके की यहाँ की पिच। और जैसे जैसे गेम आपका आगे बढ़ता है आपके स्पिनर्स गेम में आने लगते हैं, मलाइक आपके, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव स्पिनर्स गेम में आने लगते हैं। तो इंडिया स्पिन काफ़ी अच्छा खेलता है मिडिल ऑर्डर, तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आज के मैच में एक तरफा इंडिया हरा देगी वेस्ट इंडीज़ की टीम को। उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि आज के मैच में आपको ड्रीम टीम क्या रखनी है, ग्रांड लीग की टीम क्या रखनी है, जीएल और आपकी स्मॉल लीग की टीम क्या रखनी है, चलिए मैं वो सब मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन से। विकेट कीपर सेक्शन से आपके पास जो चॉइसिस हैं वो आपके पास ये 4 चॉइसिस हैं, जिसमें से मैं आपको बताऊं जो इम्पोर्टेंट चॉइसेस हैं, तो आपके निकोलस पूरन और ईशान किशन, ये दोनों ही बल्लेबाज इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आज के मैच में। बाकी आप निकोलस पूरन या ईशान किशन इनमें से किसी एक को रखना चाहें तो मैं ईशान किशन को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि निकोलस पूरन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और निकोलस पूरन भी एक इंसान ही है, कभी ना कभी फ्लॉप हो सकते हैं, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं ग्रांड लीग में। स्मॉल लीग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल लीग में आपको इनको लेके चलना है, आप इनको ग्रांड लीग में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी ईशान किशन को आप मोस्टली टीमों में ले सकते हैं ग्रांड लीग की। मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच में इंडिया एक अच्छा स्टार्ट देगा और ईशान किशन या फिर सुमन गिल में से कोई एक बंदा एक अच्छी पारी खेल के जा सकता है मैच विनिंग पारी। बाकी संजू सैमसन को मैं नहीं ले रहा हूँ, उनकी काफ़ी नीचे बैटिंग आएगी, और जोन्स चार्ल्स एक हिट एंड मिस टाइप के बल्लेबाज हैं। तो मैंने आपका विकेट कीपर सेक्शन एकदम क्लियर कर दिया। अगर हम आ जाते हैं बैटिंग सेक्शन से, बैटिंग सेक्शन से सूर्य कुमार यादव, सुमन गिल, मुझे लगता है कि दोनों ही बल्लेबाज ड्रीम टीम का पार्ट बनने वाले हैं, तो आप इन दोनों ही बल्लेबाजों को जरूर से अपनी टीम में रखना। और बाकी अगर हम बात करें इन 4 से 5 बैट्समैन के बारे में, तो तिलक वर्मा को अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तब रखना, अगर इंडिया चेज करती है तो आप तिलक वर्मा का ड्रॉप करके भी जा सकते हो। अगर हम बात करें जयसवाल के बारे में तो खेलेंगे नहीं, ब्रांडन किंग, रोमन पोबल, हेटमाए, इन तीनों ही बल्लेबाजों में अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा रोमन पोबल को, जिस तरीके से इन्होंने पिछले मैच में इनिंग खेली थी लेकिन कि कैच भी काफ़ी ड्रॉप हुए थे। तो तीनों ही बल्लेबाज स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाते हैं, तो आप चाहो तो रोमन पोबल या ब्रांडन किंग को ले लेना। बाकी सिमरन हेटमायर को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सिमरन हेटमायर अगर लास्ट में बैटिंग करते हैं तो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं लास्ट के 2 या 3 ओवरों में, लेकिन अगर बीच में बैटिंग आती है वेस्ट इंडीज़ की टीम अगर विकेट जल्दी फेंकती है तो सिमरन हेटमायर जल्दी आके बैटिंग नहीं कर पाएंगे। आपको बता दूँ ब्रांडन किंग एक अच्छी चॉइस है अगर आप लेना चाहते हो तो, वैसे रोमन पोबल के भी चांसेस हैं, चल सकते हैं। तो आपका मैंने ये क्लियर कर दिया, तिलक वर्मा को आपको कब लेना है, जब ये टीम पहले बैटिंग करती है इंडिया, और सुमन गिल और आपके सूर्य कुमार यादव दोनों ही कंडीशन में आप इनको रखना, काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से अगर हम बात करें आपके, तो यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से आपके जेसन होल्ड क्लियर हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। बाकी अक्षय पटेल को मैं नहीं रखूँगा अपनी टीम में, कायल महेश को भी मैं नहीं रखूँगा अपनी टीम में, और यहाँ से मैं हार्दिक पांड्या की बात करूँ तो हार्दिक पांड्या मेरी टीम में रहने वाले हैं, और हार्दिक पांड्या को आप लोग ज़रूर से रखना अपनी टीम में, क्योंकि पिछले मैच में 3 से 4 ओवर पूरे डाले थे और प्लस बैटिंग भी नंबर 4 पे करने आए थे। तो हार्दिक पांड्या को ज़रूर रखना, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन से, तो बॉलिंग सेक्शन से कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, पिछले मैच में मेरे एक CB से ही थे, कैप्टन मैंने चहल को किया था और वाइस कैप्टन मैंने कुलदीप यादव को किया था, एक तरफा क्लीन स्वीप कराया था इन्होंने। बात करें हम अलजारी जोसफ के बारे में, तो अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले बॉलिंग कराती है तभी आप अलजारी जोसफ को लेना, अदरवाइज अगर पहले बैटिंग करती है ना तो आप रोमारी सेवर्ड के साथ जा सकते हो, और यहाँ से मैं बात करूँ आप जा सकते हो अकील हुसैन के साथ में। चलिए मैं एक बार आपको टीम बना के बता देता हूँ, मैंने विकेट कीपर सेक्शन से ले लिए निकोलस पूरन और ईशान किशन को, बैटिंग सेक्शन से सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ब्रांडन किंग,
और आपके फर्स्ट बैट करती है इंडिया तो तिलक वर्मा। ऑलराउंडर से आपके लिए लिए मैंने जेसन होल्डर, हार्दिक पांड्या, और बॉलिंग से मैंने आपके लिए लिए कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और रोमारियो सेफर्ड। ये मेरी टीम रहने वाली है जिसमें मैं कैप्टन रखने वाला हूँ आपके लिए बता दूँ सूर्यकुमार यादव को अभी, और वाइस कैप्टन मेरे रहने वाले हैं युजवेंद्र चहल। ये मेरी टीम रहने वाली है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो मैं इस टीम के साथ जाऊँगा। बाकी आप ग्रैंड लीग में कुछ ही चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आप रोमारियो सेफर्ड प्लेस पर किसी और को ले लें, ब्रांड लिंग की जगह किसी और को ले लें, ईशान किशन को ड्रॉप करके आप एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ चले जाएं। कुछ ऐसे आप लोग मेजर चेंजेस ग्रांड लीग में कर लेना। बाकी भाई वो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसपे मैं आप लोगों को ग्रांड लीग और स्मॉल लीग की टीम आपको देता हूँ। तो बस मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।